हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके किचन के कामों को बेहद ही आसान कर देंगे। दोस्तों, मेरा एक चैनल सिखा की रसोई है, उसे भी आप सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलते हैं पहली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत मोती की तरह सफ़ेद हो। कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा, किसी भी तरह की गंदगी या फिर पीलापन हमारे दांतों में ना हो। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से घर पर ही किस तरह से अपने पीले दांतों को मोती जैसे सफ़ेद कर सकते हैं, दोस्तों इसका बहुत ही यूज़फुल वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रेमेडी ऐसी है कि अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो दांतों से जुड़ी जो भी परेशानी होगी वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस नुस्खे को। इसके लिए मैंने एक चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उंगली की मदद से हम अपने दांतों पे इसे लगाएंगे और मसूड़ों पर इससे लगाएंगे, जिससे मसूड़ों में जो भी सूजन वगैरह होगी वो इससे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारे दादी नानी की बताई हुई टिप है। इसे दांतों पर अच्छी तरह लगाने के बाद थोड़ी देर इसे हमें मुंह में ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद हम फिर उंगलियों से इससे मसाज करेंगे। इससे हमारे दांतों में लगे हुए कीड़े, दांतों की गंदगी, पीलापन सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब हम मुँह को साफ़ कर लेंगे। इसको करने के बाद आपको ब्रश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नमक हमारे दांतों की क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मसूड़ों में सूजन आ गई हो, मुंह में बदबू आ रही हो, तो ये नमक रामबाण की तरह काम करता है। आप इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे और आपके दांतों में जो भी परेशानी होगी वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब हम कुकर में आलू उबालते हैं तो कुकर हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है। आप आलू उबालते समय उसमें एक नींबू डाल दिया करिए, जिससे कुकर आपका गंदा नहीं होगा। देखिए, ये कुकर आलू उबालने से काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैं आपको एक बेहद ही आसान टिप बताऊँगी जिससे आपका कुकर पहले जैसा चमकदार हो जाएगा। तो आप एक एल्युमिनियम फॉल का टुकड़ा ले लीजिए और उसे इस तरह से मोड़ लीजिए। अब कुकर में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इस एल्युमिनियम फॉल से आप कुकर को साफ़ करिए। आप देखेंगे कि कुकर पहले से कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। इसे हम एल्युमिनियम फॉल से अच्छी तरह से चारों तरफ रगड़ लेंगे। कुकर को हम साफ़ करके देखेंगे। देखिए, इसमें कितनी गंदगी इकट्ठा हो गई है। अब मैं इसे आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि कुकर कितना चमकदार हो गया है। अब इस एल्युमिनियम फॉल को हम फेंकेंगे नहीं, हम फिर से इसे इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, मैंने कुकर को धो लिया है, ये पहले से कितना ज़्यादा चमकदार हो गया है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा हमारे बर्तन में चिपक जाता है और जल्दी साफ़ नहीं होता है। तो उसके लिए आप जिस बर्तन में आटा गूंथ रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और दो बूंद पानी डाल दीजिए और उसके बाद इसे आप उस बर्तन पे अच्छी तरह से फैला लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो बर्तन को अच्छी तरह से सूख जाने दीजिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी है, तो आप तुरंत भी आटा गूंथ सकते हैं। मैं आपको आटा गूंथकर दिखाती हूँ। इस तरह से आटा गूंथने पर बर्तन में बिल्कुल भी आटा नहीं चिपकता है और बिल्कुल साफ बर्तन रहता है। देखिए, मैं आटा गूंथ ली हूँ, बर्तन में बिल्कुल भी आटा नहीं लगा हुआ है और आटा भी अच्छी तरह से गूंथ गया है। आटे में थोड़ा सा नमक डालकर गूंथने से घर की निगेटिविटी भी दूर होती है और पता भी नहीं चलता कि इस आटे में नमक लगा हुआ है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। दोस्तों, कभी हमें अचानक बाहर निकलना पड़ जाता है और हमारे पास पेपर सोप नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा टिप बता रही हूँ। इसके लिए आप एक साबुन ले लीजिए। आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं।
अब हम पिलर की मदद से इसे छिल लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें से साबुन निकल आ रहा है। हम इसके 3-4 पीस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें साबुन को छिल लेना है। ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें से एक निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए और फिर इसे आप रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिब्बा लिया है। आप इन साबुनों को इस डिब्बे में रख दीजिए और बंद कर लीजिए। अब इसे आप अपने पर्स में, बैग में, कहीं पर भी रख लीजिए। अब आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साबुन की। आप इसमें से एक साबुन निकालिए और यूज़ करिए और उसके बाद फिर रख दीजिए। इसे आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। कभी कभी हम बच्चों को पेपर सोप देना पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए ये टिप काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जब हम दूध खौलाते हैं तो अगर किचन से बाहर निकल गए तो दूध हमारा नीचे गिर जाता है और पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है उसे साफ़ करने में। तो आप जब भी दूध खौलाइए तो लकड़ी का एक स्पैचुला इसके ऊपर रख दीजिए। ऐसा करने से आप जब भी दूध खौलाएंगे तो दूध ऊपर की तरफ नहीं आएगा। देखिए जैसे मैंने इसे रख दिया है अब दूध बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आएगा, वो नीचे ही नीचे खौलता रहेगा और दूध बाहर भी नहीं गिरेगा। मैं आपको इसे तेज करके भी दिखा रही हूँ। देखिए मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है फिर भी दूध बाहर नहीं गिर रहा है, वो नीचे ही नीचे खौल रहा है। ये छोटी सी टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप लकड़ी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों हम नींबू तो इस्तेमाल करते हैं मगर उसका छिलका हम फेंक देते हैं, मगर मैं छिलके को फेंकती नहीं हूँ, इसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ और इसका एक यूज़फुल रेमेडी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और जो भी सूखा हुआ नींबू था उसे हम पानी में डाल देंगे। अब हम गैस चला लेंगे और सॉस पैन को उसके ऊपर रख देंगे। अब इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और आँच को हल्का करके इसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे। नमक की वजह से नींबू भी मुलायम हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। जब नींबू अच्छी तरह से पक जाए और अपना कलर छोड़ दे तब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे ये क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से करेगा। अब इसमें हम 2 चम्मच विनेगर डालेंगे जो हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेंगे। बेकिंग सोडा डालते ही विनेगर की वजह से ये बहुत तेज़ रिएक्शन करेगा। अब हम चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच वॉशिंग पाउडर का डालेंगे, जो भी आप वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसे आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, मगर इसका पानी हम निकाल देंगे और सिर्फ हम नींबू को ही पीसेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका पानी निकाल देना है और सिर्फ नींबू के छिलके को हमें पीस लेना है। दोस्तों इस सॉल्यूशन से बर्तन मांजने में बर्तन के सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं। देखिए मैंने इसे पीस लिया था, अब सारे पानी को हम इसमें डालकर मिला लेंगे। जो ऊपर भी ढक्कन पे लगा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। अब जो नींबू का छिलका इसमें रह गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम कढ़ाई या तवा मांज लेंगे। सारा पानी नीचे निकल आया है,
अब इस छिलके से हम कढ़ाई या तवा माँज लेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम एक बोतल में भर देंगे। मैंने इसके लिए एक बोतल ले लिया है जिसके ढक्कन पे मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। इसे बर्तन माँजने में काफ़ी आसानी होती है। अब हम सारे सॉल्यूशन को इस बोतल में भर देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। जब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो बोतल को हम थोड़ा हिला लेंगे क्योंकि सारे चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम थोड़ा हिला लेंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से बोतल में छेद करने से काफ़ी आसानी हो जाती है। आप चाहें तो इसे किसी कटोरी में भी ले सकते हैं और बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बर्तन काफ़ी चमकदार हो जाता है। मैं इसे आपको धोकर दिखाती हूँ। देखिए बर्तन कितने चमकदार हो गए। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।